यूपी के बाद अब महाराष्ट्र पर भी सपा का कब्जा। अखिलेश यादव ने बनाया खास प्लान। महाराष्ट्र की राजनीति में तेज हुई हलचल। सपा ने 4 सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। ऐसे में स्थानीय राजनीतिक दलों के साथ साथ अन्य दल भी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और एजेंडा तैयार कर सीटों पर कब्जा करने की जुगत में लगे हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव यूपी उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते अखिलेश यादव इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरे के जरिए वह महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 12 से 16 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने प्रदेश में पार्टी को कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश तेज कर दी है। वहीं पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को धार देती दिख रही है। अखिलेश यादव की कोशिश महाराष्ट्र में भी यूपी के आजमाए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीएफ फॉर्मूले को जमीन पर उतारने की है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी को संदेश देने की कोशिश करते दिख रहे हैं। विपक्षी दलों के बीच वोटों का बंटवारा ना हो, इसके लिए प्रदेश में समाजवादी पार्टी को साथ लेकर चलने की रणनीति का संदेश भी दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और हरियाणा में झटका दे दिया था। अब महाराष्ट्र में अखिलेश ने पहले ही 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर बड़ा कदम उठा लिया। इस बीच महाविकास अघाड़ी से सीटों को लेकर बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया है उसमें शिवाजी नगर अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट रईस शेख, भिवंडी वेस्ट रियाज आजमी, मालेगांव शानेह को मैदान में उतारा है। दरअसल महाराष्ट्र में इस समय महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीटों के बंटवारे की बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महाविकास अघाड़ी के बीच 258 सीटों पर सहमति बन गई है। 30 ऐसी सीटें हैं जिन पर पार्टियों के बीच सहमति बन नहीं पा रही। इन पर कांग्रेस, शरद पवार गुट की एनसीपी, सपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी का अपना अपना दावा है। इस बीच अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जाहिर है मध्य प्रदेश 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कौन अखिलेश की बात कर विपक्षी गठबंधन के नेता को तगड़ा झटका दिया था। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रदेश में जनाधार ना होने की बात कर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीट देने से इनकार कर दिया था। इन दोनों राज्यों के उदाहरण को देखते हुए अखिलेश यादव ने पहले ही महाराष्ट्र में अपनी राजनीति साफ कर दी है ताकि बाद में कोई कसक ना रहे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।